सो हेलो एवरी वन इन दिसगल लेजी स्पेलिंग बी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है लेकिन एक यहाँ पे लूप होल है जहाँ पे गलती हो सकती है वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कहाँ पे गलती हो सकती है ठीक है अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द लेजी स्पेलिंग बी अंटेस्टेंट इज गिवन अ टारगेट वट डबल यू टू स्पेल The contestant answer word A is acceptable if it is of the same length as that of the target word, and the ith letter of A is either ith, i minus one, or i plus one letter of W for all i in the range of A. The first letter of A must match either the first or the second letter of W since the zeroth letter doesn't exist. Similarly, the last letter of A must match either the last or the next to last letter of W. नोट देट द टारगेट वर्ड इट सेल्फ इज ऑलवेज एन एक्सेप्टेबल वर्ड ये एक पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि लेजी स्पेलिंग भी कंटेस्ट आ, कंटेस्ट है उसमें कंटेस्टेंट को डबल्यू वर्ड दिया जाता है स्पेल करने के लिए मतलब कि आप इसका स्पेलिंग बताओ ठीक है अब मान लो कंटेस्टेंट ने आंसर दिया ए मतलब ये हमारा वर्ड है ए ठीक है कंटेस्टेंट के आंसर को ए से हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे तो ये एक्सेप्टेबल कब होगा उसकी कंडीशन है मान लो W की लेंथ है n तो a एक्सेप्टेबल कब होगा सबसे पहले तो उसकी लेंथ भी n होनी चाहिए सेकेंड चीज उसकी जितनी भी i है फॉर ऑल i मतलब जितनी भी कैरेक्टर्स है फॉर ऑल i कैरेक्टर इन a ठीक है अब आई में भी तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं या तो आई अब यहां पे क्वेश्चन में वन इंडेक्स के बेसिस पे समझाया है लेकिन मैं जीरो इंडेक्स ले रहा हूं क्योंकि जो हम कोड लिखेंगे उसमें जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो जीरो इंडेक्स बेस होगी तो आई या तो जीरो हो सकता है पहली तो कंडीशन के आई की लेंथ एन होनी चाहिए या तो फिर आई एन माइनस वन हो सकता है या तो फर्स्ट कैरेक्टर हो सकता है या लास्ट कैरेक्टर हो सकता है या तो मिडल का कोई एक कैरेक्टर हो सकता है ठीक है तो अगर वो फर्स्ट कैरेक्टर है तो क्या कंडीशन है कि जो ए में जो कैरेक्टर है वो या तो W का एग्जैक्ट सेम हो उसी इंडेक्स वाला या तो उसके बाद वाला हो ठीक है तो A ऑफ i मस्ट बी इक्वल टू W ऑफ i और A ऑफ i मस्ट बी इक्वल टू W ऑफ i प्लस वन यहां पे क्या बोला गया है कि लास्ट कैरेक्टर है वो A ऑफ i शुड बी इक्वल टू W ऑफ i या तो वो सेम हो और ए ओफ आई शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ आई माइनस वन उसके पहले वाला हो और बीच में जितने भी है उसके लिए क्या है ए ओफ आई शुड बीवल टू डब्ल्यू ऑफ आई और एफ आई शुड equal टू डब्ल्यू ऑफ आई माइनस वन और एफ आई शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ आई प्लस वन ठीक है बेसिकली मतलब या तो वो सेम डब्ल्यू आई वाला कैरेक्टर हो या तो उसके एक इंडेक्स पहले वाला हो या तो एक इंडेक्स बाद वाला हो ठीक है तो ये जो हमारा है क्वेश्चन है बेसिकली मतलब मान लो ये हमारा W है A B C ठीक है और ये हमारा A है ठीक है तो यहां पे फर्स्ट इंडेक्स पे या तो ये खुद आ सकता है या तो बाद वाला इंडेक्स आ सकता है ठीक है मतलब या तो A आ सकता है इस इंडेक्स पे या तो A आ सकता है या B आ सकता है ठीक है इस इंडेक्स पे या तो वो खुद आ सकता है या तो एक इंडेक्स पहले वाला कैरेक्टर आ सकता है या एक इंडेक्स बाद वाला कैरेक्टर आ सकता है तो यहाँ पे ए आ सकता है बी बी आ सकता है सी बी आ सकता है और यहाँ पे या तो वो खुद आ सकता है या एक इंडेक्स पहले वाला कैरेक्टर आ सकता है मतलब बी बी आ सकता है सी बी आ सकता है ठीक है तो वही है कि फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स के लिए वो खुद और उसके बाद वाला एलिमेंट और लास्ट इंडेक्स के लिए वो खुद और उसके पहले वाला एलिमेंट और बाकी जितने भी है बीच वाले इंडेक्सेस उनके लिए या तो वो उसी इंडेक्स वाला कैरेक्टर या उससे पहले वाला कैरेक्टर या तो उसके बाद वाला कैरेक्टर आ सकता है तो ये क्वेश्चन है तो हमें पूछा गया है आगे फिर यू आर प्रिपेयरिंग अ लेजी स्पेलिंग बी एंड यू हैव बीन आज टू डिटरमाइन फॉर ईच टारगेट वर्ड हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एक्सेप्टेबल आंसर वर्ड्स आर देयर सिंस दिस नंबर कैन बी वेरी लार्ज प्लीज आउटपुट मॉड्यूलो टेन की पावर नाइन प्लस सेवन हमें बोला गया है कि हमें सभी टारगेट वर्ड डबल्यू के लिए ये बताना है नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल वर्ड्स ए कितने होंगे एक टारगेट वर्ड है डब्ल्यू जैसे कि ए बी सी तो टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल वर्ड्स उस टारगेट वर्ड के लिए कितने होंगे और आगे बोला गया है कि क्योंकि ये नंबर लार्ज हो सकता है तो हमें 10 के पावर 9, प्लस प्रिंट करना है है ठीक तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है जनरल इंडेक्स के लिए क्या कि या तो वो कैरेक्टर डब्ल्यू के उसी कैरेक्टर से मैच करना चाहिए या उसके एक इंडेक्स पहले वाला होना चाहिए या एक इंडेक्स बाद वाला होना चाहिए तो ये है क्वेश्चन अब देखते हैं कंसेप्ट क्या कंसेप्ट यूज होगा Okay. तो अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे दैट इज कंसेप्ट ठीक है अब मान लो आ, आ, मान लो मैं कहता हूं कि हमारे पास फोर लेंथ का एक नंबर है और सभी न, आ, आ, सभी न, आ, ये जो प्लेसेस है उस पर या तो सिक्स आएगा या सेवन आएगा ठीक है या तो सिक्स आएगा या सेवन आएगा तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स कितने जनरेट हो पाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा इस इंडेक्स पे दो पॉसिबिलिटी है सिक्स कॉमा सेवन दो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है सिक्स कॉमा सेवन यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी यहां पे सिक्स कॉमा सेवन यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी और यहां पे भी सिक्स कॉमा सेवन दो पॉसिबिलिटी तो टोटल नंबर ऑफ इतने नंबर्स कितने जनरेट होंगे अलग अलग टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू दैट इज सिक्सटीन तो ये जो हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्वेश्चन हो गया ना कि फोर लेंथ का एक नंबर है और हर एक प्लेस पे या तो सिक्स आएगा या सेवन आएगा तो इस पोजीशन पे दो पॉसिबिलिटी है यहां पे दो पॉसिबिलिटी है यहां पे दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, 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 है तो टोटल नंबर ऑफ कितने वर्ड्स जनरेट होंगे सिक्सटीन तो इस तरह का ही कुछ कंसेप्ट यूज हम करेंगे हम क्या करेंगे कि जो एन है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ठीक है हम सभी इंडेक्स पे कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने पॉसिबल मान लो यहाँ पे c1 कैरेक्टर्स आ सकते हैं यहाँ पे c2 कैरेक्टर्स आ सकते हैं यहाँ पे c3 कैरेक्टर्स आ सकते हैं अप टू यहाँ पे cn कैरेक्टर्स आ सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल वर्ड्स कितने हो गए आंसर इज इक्वल टू c1 into c2 into c3 अप टू cn ये हमारा आंसर हो गया ठीक है हमें हर एक इंडेक्स पे देखना है कि कितने पॉसिबल कैरेक्टर है एक्सेप्टेबल वर्ड के लिए और फिर उन सबका मल्टीप्लिकेशन अब ये हम कंसेप्ट यूज करेंगे तो एक एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे कि डब्ल्यू इक्वल टू ए बी सी डी ठीक है तो जो हमारा ए है ठीक है चार इंडेक्स है ठीक है अब यहाँ पे या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है दो पॉसिबिलिटी यहां पे या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है ठीक है जैसा हमने अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन में देखा तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है या डी हो सकता है यहाँ पे भी तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे ए कॉमा बी यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे बी सी डी और यहाँ पे सी या डी हो सकता है तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी तो टोटल एक्सेप्टेबल वर्ड ए बी सी डी वाले ए बी सी डी के लिए कितने होंगे अगर हमारा टारगेट वर्ड ए बी सी डी है तो टोटल एक्सेप्टेबल वर्ड्स कितने होंगे टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स तो अगर हमारा टारगेट वर्ड ए बी सी डी है तो उसके लिए नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल वर्ड्स थर्टी सिक्स होंगे यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे तो ये हो गया कंसेप्ट समझ में आ गया जो लूप होले वो हम इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे अब शिफ्ट करते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे कंसेप्ट इतना ही है अब सबसे पहले तो हम आंसर को एक वन के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं, फिर आ, हर एक इंडेक्स पे कितने पॉसिबल वैल्यू है उस हिसाब से उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अब मैं एक फोर लूप लगाता हूं मान लो एन है हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो फोर ये क्या है थर्ड पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन ठीक है अब मैं क्या करूंगा मैं एक फोल लूप लगा दूंगा फॉर आई इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस ठीक है इफ ए ऑफ आई इक्वल टू इक्वल सॉरी ए ऑफ आई की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है इफ आई इक्वल टू इक्वल टू जीरो ठीक है तो दो पॉसिबिलिटी होगी यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू ठीक है तो इफ या तो उससे भी बेटर है यह भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है हम चार केस में डिवाइड कर देते हैं इफ आई माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एंड आई प्लस वन इज लेस देन एन मतलब कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक करेक्टर है राइट हैंड साइड पर भी एक करेक्टर है तो यहां पे मैं मॉड्यूलो वगैरह नहीं ले रहा वो कुछ आप कोड देखेंगे समझ में आ जाएगा आंसर आंसर इज इक्वल टू क्योंकि या तो वो एक खुद कैरेक्टर हो सकता है या लेफ्ट इंडेक्स वाला हो सकता है या राइट right इंडेक्स वाला हो सकता है एल्स इफ आई माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब कि ये कंडीशन गलत हो गई अब ये कंडीशन सही है मतलब ये लास्ट कैरेक्टर है मतलब उसके पहले तो कुछ है लेकिन बाद में कुछ नहीं है तो आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू टू एल्स इफ आई प्लस वन इज लेस देन एन इसका मतलब क्या आई माइनस वन इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स की बात हो रही है उसके बाद तो कैरेक्टर है लेकिन उसके पहले कुछ नहीं है तो आंसर इज इक्वल टू आंसर इन टू टू एल्स अब या तो उसके आगे और पीछे दोनों एक एक करेक्टर है या तो उसके पीछे एक करेक्टर है एक मतलब कम से कम एक करेक्टर है यहाँ पे उसके आगे कम से कम एक करेक्टर है और लास्ट कंडीशन क्या बच गई कि उसके आगे भी कोई करेक्टर नहीं है पीछे भी कोई कैरेक्टर नहीं है मतलब जो हमारा W वर्ड है वो उसकी जो लेंथ है वो वन है फॉर एग्जाम्पल W इक्वल टू ए ठीक है तो एल्स आंसर इक्वल्स टू आंसर इन टू वन क्योंकि यहां पे तो एक ए ही पॉसिबल आंसर है लेफ्ट में भी कुछ नहीं है राइट right में भी कुछ नहीं है ठीक है तो ये हो गया हमारा इंप्लीमेंटेशन अब यहां पे हर एक स्टेप पे आप फिर लिख सकते हो आंसर इज इक्वल टू आंसर मॉड्यूलो जो भी है टेन की पावर नाइन प्लस सेवन ठीक है वो आप कोड देखोगे तो समझ में आ जाएगा वो यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो ये हमारा कोड हो गया ये गलत है ठीक है इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है जब मैं यहाँ पे आंसर इक्वल टू आंसर इंटू थ्री कर रहा हूँ फॉर आई माइनस वन इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आई प्लस वन इंडेक्स इज लेस देन एन मतलब उसके पहले भी कम से कम एक करेक्टर है बाद में भी कम से कम एक करेक्टर है तो हम डायरेक्ट आंसर इंटू आंसर इंटू थ्री कर रहे हैं हम अज्यूम कर रहे हैं कि तीन पॉसिबिलिटी हो गई अब मान लो बी है ठीक है यहाँ पे एक मतलब ये पूरी स्ट्रिंग है यहाँ तक कुछ है यहाँ पे ए है बी है सी है और यहाँ पे स्ट्रिंग है ठीक है अब मैं बी इंडेक्स के लिए निकाल रहा हूं तो डेफिनेटली तीन पॉसिबिलिटी है लेकिन अगर यहां पे भी बी हुआ अब कितनी पॉसिबिलिटी हो गई दो क्योंकि चाहे हम ये भी ले चाहे हम ये भी ले हमें अलग स्ट्रिंग थोड़ी ना मिलने वाली है तो अब हो गई दो पॉसिबिलिटी अब यहां पे भी बी आ गया तो अब एक ही पॉसिबिलिटी है सो so, इंडेक्स की पोजिशन सिर्फ डिटरमाइन करके फायदा नहीं है हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर तीन पोजीशंस अवेलेबल है दो पोजीशंस अवेलेबल है तो उन पोजीशंस पे कितने डिस्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल है कहीं वो सब सेम तो नहीं ठीक है तो ये था लूप होल यहां पे ये स्पेशली अगर हम प्रेशर में होते हैं कुछ मान लो प्लेसमेंट वगैरह में ये क्वेश्चन सिमिलर आ गया तो वहां पे कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है अब देखो अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इफ i माइनस वन इज ग्रेटर टू जीरो पहले तो इफ a ऑफ i माइनस वन इक्वल्स टू इक्वल्स टू ए ऑफ आई एंड एंड ए ऑफ आई इक्वल्स टू इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस वन मतलब कि i माइनस वन और i सेम है आई इंडेक्स वाले कैरेक्टर और आई कैरेक्टर और i प्लस वन इंडेक्स वाला कैरेक्टर भी सेम है बेसिकली तीनों सेम है तो आंसर इज इक्वल टू आंसर इन टू वन एल्फ एफ एफ i माइनस वन मतलब तीनों अगर सेम नहीं है तो अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या कोई दो सेम है यहाँ पे हमने चेक किया क्या तीनों सेम है ए of, equal to equal to A of A इक्वल टू इक्वल टू ए ऑफ ए to A माइनस वन इक्वल टू इक्वल टू ए is equal और is equal इज इक्वल टू इज इक्वल टू or और A of आई माइनस वन इज इक्वल टू इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस वन ठीक है मतलब कि या तो बी बी सी है या तो बी सी बी है या तो सी बी बी है तो इन तीनों में कितनी दो पॉसिबिलिटी हो गई या तो मतलब सेकंड कैरेक्टर के यहाँ पे रिप्लेसमेंट के लिए या तो बी होगा या तो सी होगा आंसर इज इक्वल टू आंसर इन टू टू एल्स मतलब कि या तो तीनों सेम है या कोई दो सेम है तीसरा क्या बचा तीनों के तीनों अलग है आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू थ्री ठीक है अब सेकेंड कंडीशन क्या थी एल्स एफ आई माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब कि लास्ट कैरेक्टर है उसके आगे तो एक एलिमेंट है लेकिन पीछे कोई नहीं है ठीक है अभी मैं इस फोल्ड लुक को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ इसको मैं ओपन करता हूँ ब्रैकेट को इफ ए ऑफ आई माइनस वन इक्वल्स टू इक्वल्स टू ये ए मतलब डबल्यू अपना टारगेट स्ट्रिंग है ये ए को उस ए के साथ मैच मत कर देना ये मैंने कोड में भी ए लिया है तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए ऑफ आई माइनस वन इज इक्वल टू इज इक्वल टू ए ऑफ आई अगर ये दोनों सेम है मतलब कि अगर हमारा डबल्यू है वो है बी बी सी सी तो ये लास्ट इंडेक्स के लिए जिसके आगे तो कैरेक्टर है पीछे नहीं है तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है एक ही है क्योंकि ये दोनों सेम है तो आंसर इक्वल्स टू आंसर इन टू वन एल्स आंसर इक्वल्स टू आंसर इंटू टू मतलब यहाँ पे अगर मान लो z हो गया तो यहाँ पे c भी आ सकता है z भी आ सकता है दो पॉसिबिलिटी हो गई ठीक है तो वही यहाँ पे कवर किया है अब आगे देखते हैं ठीक है एल्स इफ आई प्लस वन इज लेस देन एन मतलब यहां पे फर्स्ट इंडेक्स की बात हो रही है उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन पीछे तो है if a of i equals to equals to a of i plus 1 answer is equal to answer into 1 agar dono same hai to ek hi possibility hai else dono different hai to answer is equal to answer into 2 agar dono different hai to aur aakhir mein condition else mein kya thi ye tha i 1 greater than n equal to 0 and and i 1 is less than n मतलब कोई middle वाला element है। एल सी फाइव माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब लास्ट एलिमेंट की बात हो रही है एल सी फाइव प्लस वन इज लेस देन एन मतलब फर्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है एल्स में क्या बचा जो मैंने आपको बताया था कि सिंगल लेंथ की कोई स्ट्रिंग होगी तो उसमें तो क्या आएगा आंसर इक्वल टू आंसर इन टू वन और यहाँ पे हमारा फोर लूप क्लोज हो जाएगा और बीच में वो मॉड्यूलो लगाना पड़ेगा हर एक स्टेप पे लेकिन वो सिंपल है अब ये सही है तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और जो लूप होल है जो कि मे बी एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिस के टाइम पे तो नहीं होगी गलती लेकिन एग्जाम के टाइम पे मे भी हो सकती है तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे सो so, मैंने कोड है वो कमेंट में प्रोवाइड किया है ओके थैंक यू